आपको केमिस्ट्री में निष्कर्षण पढ़ाए थे, आयरन का था, कॉपर का था, एल्युमिनियम का था, जिंक का था, तो फिर से इनके ऑनलाइन क्लास के अलावा इनको वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम का आपको निष्कर्षण का वीडियो भेज रहे हैं। ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन को आपको नोट्स भी भेज चुका हूँ, वीडियो आप देखिएगा। एल्युमिनियम है, इसका जो सिंबल है Al है, एटॉमिक नंबर है वो 13 है, एटॉमिक वेट है वो 26 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एल्युमिनियम के अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, इसका फॉर्मूला Al2O3 × 2H2O होता है। दूसरा डाइस्पोर होता है Al2O3 × H2O होता है। तीसरा क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 होता है। माइका होता है K2O3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2O होता है, माइका, इसे अपर कहते हैं। अपने सिलेबस में बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न स्टेप में किया जाता है। जो बॉक्साइट होता है Al2O3 × 2H2, तो बॉक्साइट में इंप्योरिटीज पाई जाती है। इंप्योरिटीज यदि फेरिक ऑक्साइड की होती है, Fe2O3 की होती है, तो आप इसका निष्कर्षण बेयर प्रोसेस से करते हैं। यदि इसमें सिरका की इंप्योरिटीज होती है, तब इसका निष्कर्षण सर्फेट प्रोसेस से करते हैं। और यदि दोनों की इंप्योरिटीज होती है, फेरिक ऑक्साइड और सिरका दोनों की इंप्योरिटीज होती है, तब इसका निष्कर्षण हम हाल प्रोसेस से करते हैं। तो अलग अलग आता है, बेयर प्रोसेस, सर्फेट प्रोसेस एंड हाल प्रोसेस। सर, बेयर प्रोसेस क्या है? बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री पर इसे हीट करते हैं, जिससे सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है। सोडियम मेटा एल्युमिनेट हमें प्राप्त हो गया NaAlO2, साथ में हमारा फिर एक ऑक्साइड था Fe2O3। हम वाटर के साथ सॉल्वेबल कराएंगे, NaAlO2 जो वाटर सॉल्वेबल हो जाएगा, और फिर एक ऑक्साइड PPT के रूप में या अनसॉल्वेबल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम फिल्टर करके अलग कर देंगे। हमारे पास सोडियम मेटा एल्युमिनेट बना। सोडियम मेटा एल्युमिनेट हम जल की क्रिया कराएंगे, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप हमको प्राप्त हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त होगा उसको 1200 से 1500 डिग्री पर हीट करेंगे, जिससे एल्युमिना बन जाएगा। बेयर प्रोसेस के द्वारा एल्युमिना प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो सरपेक हो, चाहे बेयर हो, चाहे हार हो, इन तीनों प्रोसेस के द्वारा एल्युमिना प्राप्त होता है। दूसरी प्रोसेस है सरपेक। सरपेक प्रोसेस में जो बॉक्साइड होता है उसमें कोक के साथ नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। बॉक्साइट है Al2O3 × 2H2O, कोक के साथ नाइट्रोजन गैस डालते हैं, इसका कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तथा एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर निकल जाता है। जो सिलिका होती है वह कोक के साथ सिलिकॉन के रूप में बाष्पित हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाती है। एल्युमिनियम नाइट्राइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और साथ में अमोनिया रिमूव होती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम उसी प्रोसेस के द्वारा हीट करते हैं, तो हमें एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। सरपेक हो गई। तीसरी हाल प्रोसेस, हाल प्रोसेस होती है। जो बॉक्साइड होता है Al2O3 होता है, उस पर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराती है। सोडियम कार्बोनेट इससे रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाता है,
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। सोडियम मेटा एलिमिनेट बटर सॉल्वेबल होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड तथा सिलिका बटर अनसॉल्वेबल होती है, उसे फिल्टर करके हम अलग कर लेते हैं। सोडियम मेटा एलिमिनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर की रिएक्शन कराते हैं, इससे सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1200 से 1500 डिग्री पर हम हीट कराते हैं, जिससे एल्युमिना का फॉर्मेशन हो जाता है। तीनों प्रोसेस के द्वारा एल्युमिना बन गया। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट मेथड के द्वारा एल्युमिना से एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं। एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री होता है। इसको कम करने के लिए यदि हम इसमें थोड़ा सा क्रायोलाइट मिला दें और कैल्शियम फ्लोराइड मिला दें तो इसका गलनांक 850 से 900 डिग्री तक हो जाता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं। इसमें कार्बन की जो लेयर लगी होती है वह कैथोड का कार्य करती है और ग्रेफाइट की रॉड डली लगी होती है वह एनोड का कार्य करती है। इसमें एल्युमिना के साथ क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड मिलाते हैं। एल्युमिना क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड के साथ 850 से 900 डिग्री पर एल्युमिनियम में अपघटित हो जाता है। जी, वीडियो एल्युमिनियम का कंप्लीट आपको हो गया।